नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, एक नया डोरमेट का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो इस तरह से मैं बनाई हूँ। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये बना के। तो आज ये बना के बताऊँगी कि कैसे बनेंगे। इसके लिए मैंने 3 कलर की ऊन ले ली है और 9 नंबर की सिलाई ले ली है। मैंने ये 30 फंदे से बनाए हैं, मैं आपको 25 फंदे से बताऊंगी। तो देखिए मैं फंदा डाल लेती हूँ, आपको जैसा आता होगा उसी हिसाब से आप फंदे डाल लेना। इस तरह से मैं डालती हूँ और इस तरह से भी डालती हूँ, तो आपको जैसा सुविधा हो वैसा आप डाल सकते हैं। इस तरह से तो मैं 25 फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने 25 फंदे डाल लिए हैं 2 कलर से, 12 फंदे इस कलर से और 13 फंदे इस कलर से। एक फंदे एक्स्ट्रा है ताकि ये लाइन बनेगी, ये किनारे, इसलिए एक फंदे मैंने एक्स्ट्रा डाल इसीलिए एक फंदे मैंने एक्स्ट्रा डाली है। तो देखिए यहीं से शुरुआत करती हूँ, पहले सलाई से। देखिए एक फंदा इस तरह से बुन लूँगी, अब मैं दूसरी कलर इसमें ऐड करूँगी इस तरह से, और यहीं से एक फंदा मैं बढ़ाऊँगी। आपको जैसा आता होगा वैसा आप बढ़ा सकती हैं उसी हिसाब से। एक एक फंदा इसमें बढ़ेंगे और बाकी फंदे हम इसी कलर से बना लेंगे। अब ये कलर से बनाऊंगी ग्रीन से, इस तरह से हम सारे फंदे बुन लेंगे और 2 फंदे लास्ट के हम छोड़ देंगे। देखिए 2 फंदे मैं छोड़ दी और यहीं से मुड़ जाऊंगे और बाकी फंदे हम इस तरह से सीधी साइड से बना लेंगे। सीधी साइड से कुछ नहीं करना, जो जैसा कलर है उसी कलर से बनाना है। देखिए फिर से मैं सीधी साइड आ गई, तो इसे बुनना नहीं है, उतार लेना है और बाकी फंदे हम बुन लेंगे इस कलर से। तो फंदे हम एक एक इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे और बाकी फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। दो फंदे मैंने लास्ट में छोड़े थे, 2 फंदे अब छोड़ूंगी। देखिए 2 फंदा पहले के, 2 फंदा यहीं से मुड़ जाऊंगी। तो इसी तरह से मैं 2-2 करके 10 फंदे छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने 5 फंदे ऊपर की साइड बढ़ा ली है और 10 फंदे नीचे की साइड से छोड़ दी है।
तो देखिए एक दो तीन चार पाँच, यहाँ तक मैंने फंदा छोड़ दिए हैं। और ये ऊपर की साइड देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, ये 12 फंदे मैंने डाले थे और बाकी 5 फंदे मैंने बढ़ाए हैं। तो अब क्या करना है, अब मैं कलर चेंज करूँगी। फंदा जिस तरह से बढ़ रहा था उसी तरह से मैं बढ़ाऊँगी इस तरह से। अब बाकी फंदे के हम येलो से बना लेंगे। देखिए यहाँ जो दो फंदे बचे थे ये ग्रीन की, वो मैं छोड़ दूँगी। और यहाँ से क्या करूँगी, इस तरह से धागा ऊपर की साइड से ले जाऊँगी तो यहाँ गैप ही नहीं आएगी, और यहीं से पलट लूँगी धागा। तो इसी तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने एक सिलाई निकाल ली है। अब क्या करना है, ए वाली डिज़ाइन बनानी है ऐसे। तो इसके लिए देखिए ये एक फंदा तो मैं यही चलाऊंगी और बाकी फंदे को हम इस तरह से बनाएंगे। फंदा बढ़ता ही रहेगा, हम 9 फंदे बना लेंगे। 5 पहले का है, 4 और बढ़ा लेती हूँ। इसके बाद इसी तरह से ये डिज़ाइन बनती रहेगी। देखिए यहाँ मैंने 7 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो फिर से हम यहाँ से धागा चेंज कर लेंगे। ये धागा ढीली होनी चाहिए। और दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे। तो मैं 6 फंदे यहाँ छोड़ूंगी येलो वाले, और बाकी फंदे हम ऐसे ही रखेंगे। देखिए यहीं से मुड़ जाना है, 2 फंदे मैंने छोड़ दिए। यहाँ से कुछ करना नहीं है, बस धागा पलट के क्रॉस कर के बनाना है। देखिए ये डिजाइन बनना स्टार्ट हो गया है। देखिए ये पहला फंदा उतार लिया। फिर से हम धागा चेंज करेंगे, फंदा अभी भी बढ़ेंगे। तो बढ़ा लिए, फिर धागा अपनी तरफ करके बाकी फंदे हम इसी कलर से बना लेंगे। यहाँ पर एक एक सिलाई की ये डिज़ाइन है, तो दोनों कलर से यहाँ मैं बनाती जाऊँगी। जितने फंदे बढ़े हैं उतना ही फंदा, बाकी फंदे हम ऐसे से बना लेंगे। दो फंदे पहले छोड़े थे, 2 फंदे अब छोड़ रही हूँ, यहीं से धागा पलट लूँगी। देखिए पहला फंदा उतारा, फिर से एक फंदा मैं बढ़ाऊंगी। नहीं, अब सफ़ेद वाली लगानी। दो दो चार दो छः आठ, 1 9 फंदे बढ़ गए। अब फंदा मैं बढ़ाऊँगी नहीं। छः फंदे यहाँ छोड़ दी, अब फंदा कोई बढ़ेंगे नहीं, बस ऐसे ही बनाना है। देखिए फिर से मैं उल्टी साइड आ गई। तो इसी तरह से एक एक सिलाई हर कलर की बनती जाएगी। तो अब येलो से मैं बनाऊंगी,
अब कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, एक एक सलाई 9 फंदे जो हैं वो बनाऊंगी मैं। देखिए ये जो 3 फंदे मैंने छोड़े, यहाँ तक मैं फंदे बढ़ाई थी, अब ये जो 6 फंदे हैं ये छोड़ूंगी तो कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं फंदा घटाना शुरू। ये सीधी साइड है, यहाँ बस 2-2 सलाई की डिजाइन है। अब मैं कोई फंदा नहीं बढ़ा रही हूँ, देखिए कैसे हम धागा चेंज करेंगे। तो 9 फंदे का डिजाइन है, ये 9 फंदे बुन लूँगी और 2-2 करके जो नीचे के साइड मैंने 6 फंदे छोड़े थे ये बच गए थे, ये मुझे छोड़ना है इस तरह से। अब 2 फंदे बच गए हैं तो इसे भी मैं छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सीधी साइड से तो कुछ करना नहीं, बस धागा चेंज करके बुन लेना है। देखिए ये लास्ट वाला 2 फंदे हैं तो इसे भी मैं छोड़ देती हूँ और यहीं से पलट जाऊँगी। देखिए ये पूरी कंप्लीट हो गई। देखिए मैंने यहाँ तक फंदा छोड़ लिया है, अब क्या करना है, अब मैं कोई फंदा छोड़ूंगी नहीं और ना कम करूँगी, अभी इसी तरह से मैं बनाऊँगी। जो मैंने ऊपर की साइड 3-6 फंदे जो छोड़े हैं वो इसमें ऐड कर लूँगी। ये 6 फंदे मैंने छोड़े हैं, यहाँ से मैं फंदा कम करना शुरू करूँगी जब यहाँ तक पहुँचूँगी, और ये 6 फंदे हैं इसे हम ऐसे ही ले लेंगे, यहाँ कोई फंदा कम नहीं करना है, मैं ऐसे ही ऐड कर लूँगी। यहीं से सिलाई पलट के फिर ये सीधी साइड बना लूँगी। तो इसी तरह से ये 2 फंदे मैंने ऐड कर लिए और 4 फंदे और ले लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए इसी तरह से ये 2-2 फंदे हम इसमें ऐड कर लेंगे, अभी कोई फंदा हमें कम नहीं करना है। तीन सिलाई के बाद हम फंदा कम करेंगे। देखिए 2 फंदा मैंने ऐड कर लिया था, अब 2 फंदे और इसमें ऐड कर लूँगी इस तरह से, बच गए 2, ये भी 2 बना लेंगी, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी।
देखिए ये दो फंदे जो लास्ट के थे, ये दो फंदे ऐड कर ली। अब से मैं फंदा कम करना शुरू करूँगी उल्टी साइड से। जिस तरह से मैंने फंदे बढ़ाए हैं, अब देखिए सीधी साइड उल्टी साइड से क्या करना है। अब यहाँ से मैं फंदा कम करूँगी, जिस तरह से मैं बढ़ाई थी यहाँ से उसी तरह से मैं एक फंदा कम कर लूँगी। और जो छः फंदे नीचे के साइड छोड़ी हूँ वो हम छः फंदे इसमें दो दो करके ऐड, देखिए दो फंदे, ये छः फंदे में से दो फंदे ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरह से हम ये एक एक फंदे यहाँ पे हम कम करेंगे, जहाँ पे मैंने बढ़ाए थे वहीं पे मैं एक फंदा करके कम करूँगी यहाँ पे। और ये चार फंदे मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। देखिए ये सिलाई कंप्लीट हो गई है पूरी। अब क्या करना है, ये ग्रीन वाले सारे फंदे हमें इसमें ऐड करना है। तो इसके लिए आप, मैं येलो कलर छोड़ दूँगी यहीं और ये सफ़ेद वाइट वाली लगा लूँगी। तो देखिए ये एक फंदा चलता रहेगा येलो का और बाकी फंदे हम इससे बनेंगे। तो एक फंदा हम कम कर लेंगे क्योंकि देखिए पांच फंदे के पांच फंदे ये बच गए हैं, एक दो तीन चार पाँच। देखिए अब ये ग्रीन कराया गया, तो दो दो फंदे मैं यहाँ से कम कर लूँगी, पांच फंदे हैं और ये बाकी फंदे बना लूँगी। तो कैसे बनाना है देखिए, अब वाइट वाली धागा चलेगी और येलो वाली एक ही धागा एक ही फंदे चलेंगे। तो इस तरह से हम एक फंदे कम कर लिए और बाकी हम वाइट से बना लेंगे। तो इसे हम 10 सलाई बनाएंगे ताकि ये पांच लाइन बन जाए। देखिए ये दो फंदे हम ये ग्रीन वाले हम ग्रीन से बुन लेंगे इस तरह से, और यहीं से सिलाई पलट लूँगी। तो इसी तरह से ये कंप्लीट होगी। तो दो फंदे मैंने ले ली हैं ग्रीन की और बाकी फंदे मैं बना लेती हूँ, तो फिर मैं दिखाती हूँ। ये दो दो करके जो पांच फंदे 10 फंदे मैंने छोड़े हैं ये सारे फंदे मैं ले लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये लाइन बन के तैयार हो जाएगी। देखिए ये लास्ट सिलाई है, तो 12 फंदे जो मैंने डाले थे ये वाइट में, वो 12 फंदे इसमें बच गए हैं और 12 फंदे इसमें बच गए हैं। तो ये लास्ट सिलाई है, देखिए सारे फंदे हम अब इस कलर से बना लेंगे। देखिए ये दो फंदे जो लास्ट के हैं ये भी बुन लेंगे, बुन के ये कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब एक सिलाई सीधी साइड से निकाल लेती हूँ। देखिए ये बन के कम्प्लीट हो गया है। देखिए तो इस तरह से ये कली बन के तैयार होगी और बाकी कली इसी तरह से राउंड बन के तैयार हो जाएगी। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एक लाइक तो बनता है। जो लोग नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ नए